हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्ब के बारे में बताऊंगा। कर्ब होता क्या है? सबसे पहले मैं एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको फिगर पर से क्लियरली समझ में आ जाए। ये हमारा कोई पैराबोलिक पिरामिड है मान लीजिए, और इसके पास में यहाँ पर कोई फुटपाथ होता है। आप अगर आपने रोड पर देखा ही होगा, इस तरीके से फुटपाथ दोनों तरफ होता है। ये क्या फुटपाथ, और यहां पर भी है फुटपाथ, और इस पोर्शन को हम लोग कर्ब कहते हैं। जो फुटपाथ और पेवमेंट दोनों को सेपरेट करता है, उस पोर्शन को हम लोग कर्ब कहते हैं। क्या कर्ब? ये दोनों कर्ब है, ये और ये। मतलब कर्ब क्या होता है? सेपरेटर, सेपरेटर ऑफ पेवमेंट इन फुटपाथ। ठीक है, अब मैं आपको कर्ब के टाइप के बारे में बताऊंगा। टाइप्स आप लोग देख सकते हैं, कर्ब के तीन टाइप है। सबसे पहले लो टाइप कर्व, लो और माउंटेनियस। लो और माउंटेनियस टाइप कर्व। इसके बाद दूसरा सेमी बैरियर, और थर्ड बैरियर। अब मैं आपको इन तीनों के फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या होता है। ये इस तरीके से कर्व होता है, सर्कुलर। ये पोर्शन सर्कुलर और सेमी सर्कुलर होता है, और इसकी हाइट भी फिक्स होती है 10 सेंटीमीटर। फिर ये सेमी बैरियर टाइप का मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से होता है सेमी बैरियर, और यहाँ का स्लोप 1:1 और हाइट 15 सेंटीमीटर होती है। बैरियर टाइप में ये सेमी बैरियर जैसा ही होता है, मगर इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ का स्लोप 1:4 होता है, और इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर होते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं तीनों के बीच का डिफरेंस। और इस टाइप का कर्व कहाँ पर यूज होता है? जहां पर पेडेस्टल ट्रैफिक ट्रैफिक लेस होता है। इसका मतलब कि लोगों चल के जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, उसी जगह पर यह पेडेस्टल ट्रैफिक लेस, मतलब उस जगह पर ये लो और माउंटेनियस टाइप कर्व का इस्तेमाल होता है, और इसमें मीडियम पेडेस्टल ट्रैफिक होता है। मीडियम पेडेस्टल ट्रैफिक, और यहाँ पर हाई पेडेस्टल ट्रैफिक। हाई पेडेस्टल ट्रैफिक होता है, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। और यह कर्व क्यों रखा हुआ है? ताकि अगर कोई स्मॉल व्हीकल हो ट्रैफिक में फंस गया तो यहाँ से पेवमेंट पर से इजीली ये साइड के चलने वाले पोर्शन, मतलब फुटपाथ पर जा सके और इजीली बाहर निकल सके, इसलिए इसकी हाइट हमेशा कम ही रखते हैं। आपने इस तरह का ऐसा कर्व डिवाइडर में भी देखा होगा, अगर किसी को वहाँ पर पेडेस्टल ट्रैफिक लो है तो वो उसके ऊपर से दूसरी तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसकी हाइट कम और ये कर्व होता है ताकि टू व्हीलर इजीली जा सके। ये सब कुछ आ गया कर्व के बारे में, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और हाँ, एक क्रॉस सेक्शन लिमिट में यहाँ पर वो साइड ड्रेन होती है, दोनों तरफ होती है, ये आपको बताना भूल गया। ये तो ऑब्वियसली आपको भी पता होगी,
कि यहाँ पर इस तरीके का होता है, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए, ये पूरा आ गया। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप फिर तो भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।